नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई न्यूज इंडिया में। भारत ने आज 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के तटीय इलाकों में किया गया। बता दें कि इस मिसाइल के कई सफल परीक्षणों का आयोजन पहले भी किया जा चुका है। सफल परीक्षण के बाद जल्द ही इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस मिसाइल को भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान ने विकसित किया है। यह मिसाइल क्षमता में अमेरिका के प्रसिद्ध टॉमहॉक मिसाइल के बराबर है। निर्भय मिसाइल 300 किलोग्राम तक के परमाणु वॉरहेड को अपने साथ ले जा सकती है। इस मिसाइल की सटीकता बहुत ज्यादा है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखकर भारत ने एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की सोची थी, लेकिन MTCR की वजह से इस रेंज से ज्यादा की मिसाइल को विकसित करने के लिए कोई विदेशी सहयोगी नहीं मिलने वाला था, जिसके बाद DRDO ने इस मिसाइल को अकेले विकसित करने का फैसला किया। बता दें कि निर्भय में एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी द्वारा विकसित ठोस रॉकेट मोटर बूस्टर का प्रयोग किया गया है, जिससे मिसाइल को ईंधन मिलता है। देश के लिए यह खुशखबरी है और बड़े ही गर्व की बात है। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहें आई न्यूज इंडिया से। धन्यवाद।